ये जो सीसीटीवी फुटेज आपने अभी देखा, ये पुणे एक्सीडेंट मामले से जुड़ा है। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि एक कार स्पीड में रोड पर चल रही है। पुणे के पॉश कार हादसे में युवक युवती की मौत हो गई। फिर भी 17 साल के आरोपी को महज 15 घंटे के अंदर जमानत दे दी गई। और लड़के के वकील प्रशांत पाटिल ने ही बताया कि कोर्ट ने सजा के नाम पर आरोपी नाबालिग को 15 दिन के लिए यरवदा ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने के लिए कहा है, साथ ही दुर्घटनाओं पर एक निबंध लिखना होगा, शराब पीने की आदत का इलाज और काउंसलिंग करानी होगी। इतना ही नहीं, पुलिस की कार्रवाई में जो अल्कोहल कंजप्शन का टेस्ट कराया गया उसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई थी। लेकिन उसके बाद एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तैरने लगा जिसमें आरोपी और उसके दोस्त एक पब में बैठकर शराब पीते साफ नजर आ रहे हैं। जब ये वीडियो और रिपोर्ट्स की बात सामने आई तो सोशल मीडिया पर पुलिस की जमकर फजीहत हुई। लोगों ने पुलिस को भ्रष्ट बताते हुए खूब आलोचना की। हालांकि मामला जब तूल पकड़ने लगा तो पुलिस ने नाबालिग के पिता और बिल्डर को औरंगाबाद से हिरासत में ले लिया है, जो कि घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस मामले में अब सियासत भी तेज हो गई है। पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड करिए, उसने आरोपी को बचाने की कोशिश की है। एक कपल, युवा कपल 25 साल का, जिस बेरहमी से कुचल दिया, और जो लड़का है शराबी, उसको 2 घंटे में बेल मिलता है। हाँ, उसका रिपोर्ट मेडिकल निगेटिव आता है, जो शराब पिया है वो वीडियो सामने है, कौन मदद कर रहा है? पुलिस कमिश्नर कौन है? ये पुलिस कमिश्नर सस्पेंड करो, नहीं तो पुणे की जनता को सड़क पर उतरना होगा। हालांकि मामले में पुलिस कमिश्नर ने भी सफाई दी है। बहुत बार इस प्रकार की टिप्पणी की जा रही है कि पुलिस बाद में जागी और पुलिस शुरू से गंभीर नहीं था इस प्रकरण के लिए। मैं ये बताऊं कि ये घटनाक्रम कल सुबह से चालू हुआ है, जिसके पहले की मीडिया या लोगों ने इस इशू को टेकअप किया था, उसके पहले ही पुलिस ने इस प्रकार की कड़क भूमिका अपनाई है। कोई किसी भी इकोनॉमिक स्ट्रेटा का हो, लॉ अपना मार्ग लेगा, रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा। हम लीगल मार्ग अपनाएंगे और इस केस में भी अपनाए हैं, आगे भी अपनाते रहेंगे। यही भूमिका हमारी है और हमारी रहेगी। कल ही हमने उसके फादर, एक्यूज्ड के फादर को सेक्शन 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई की, जिसमें उसने एक माइनर को फैसिलिटेट किया इस क्राइम के लिए, उसने उसको गाड़ी प्रोवाइड की, उसने उसको पार्टी में जाने के लिए फैसिलिटेट किया, उसको वहां दारू पीने के लिए उसको पैसे और बाकी सुविधा प्रोवाइड किए, इसके लिए उससे सेक्शन 75 के अंतर्गत कार्रवाई की। और साथ साथ जो पब ओनर्स और मालिक है जिन्होंने माइनर को, अंडर एज को अल्कोहल सर्व करवाया, उनके विरुद्ध हमने सेक्शन 77 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कल कार्रवाई की। बता दें कि 18 मई की रात पुणे में 17 साल का नाबालिग अपने दोस्तों के साथ 12वीं पास करने की खुशी में पब से पार्टी करके वापस लौट रहा था। रात करीब 2:15 बजे कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी थी। चश्मदीदों के मुताबिक कार की टक्कर से बाइक सवार लड़की हवा में कई फीट ऊंचा उछलकर जमीन पर आ गिरी और युवक पास खड़ी दूसरी कार से जा टकराया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं पुलिस ने बताया कि कार पर नंबर प्लेट नहीं थी, कार सवार नशे में था। कार की टक्कर के कारण एयरबैग खुल गए थे, जिससे आरोपी और उसके दोस्तों को नुकसान नहीं हुआ।